हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11, महात्मा गांधी थ्रू कंटेम्प्रेरी आइज। क्लास ट्वेल्थ की हिस्ट्री जो है उसकी बुक 3 हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले के सारे चैप्टर्स के मैं एक एक सिंगल सिंगल वीडियो डाल चुका हूँ, जिसमें हमने MCQs प्लस प्लेन द ब्लैंक्स प्लस वेरी शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो बोर्ड एज वेल एज CUET एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो शुरू करते हैं महात्मा गांधी थ्रू द कंटेम्प्रेरी आइज। इसमें पूरा फोकस हमारा महात्मा गांधी पर ज़्यादा फोकस रहता है, तो इसलिए मतलब यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर भी महात्मा गांधी देखने को मिलेगा, आप देखना है ना। तो गांधी जी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। आप सबको पता है गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे और 1915 में वापस आए थे, जनवरी 1915 में। तो गांधी जी इंडिया में वापस कब आते हैं, तो जनवरी 1915 में आते हैं। गए कब थे, 1893 में गए थे, राइट। गांधी जी कंडक्टेड हिज फर्स्ट सत्याग्रह। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ पे किया था, तो देखो गांधी जी ने ये सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट भारत आने से पहले साउथ अफ्रीका में ही कर लिया था, है ना। पॉलिटिकल मेंटर ऑफ गांधी जी, जब गांधी जी 1915 में वापस इंडिया आए तो इन्होंने सलाह ली और अपने गुरु बनाया, राजनीतिक गुरु। किसको बनाया, गोपाल कृष्ण गोखले को। और जिन्होंने कहा कि गांधी जी एक बार आप मतलब इंडिया में विजिट कीजिए, तो इंडिया ने गांधी जी ने 1915 से 16 के बीच में भारत भ्रमण किया था, इंडिया का टूर किया था, राइट। तो इनके पॉलिटिकल गुरु कौन हो जाएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। वे डिड गांधी डिमांड फॉर रिमिशन फॉर टैक्सेस फॉलोइंग द फेलियर ऑफ द हार्वेस्ट। गांधी जी ने कहाँ पर टैक्सेस के छूट की बात करी थी, कि टैक्सेस में छूट दी जाए, क्योंकि हार्वेस्ट जो है फसल जो है बर्बाद हो चुकी है, खराब हो चुकी है। तो यह है खेड़ा गुजरात। चलियावाला बाग मसाकर कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, चलियावाला बाग मसाकर कहाँ पर, अमृतसर में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को चलियावाला हत्याकांड हुआ था। आप सबको पता है जनरल डायर ने गोलियाँ चलवा दी थी जहाँ पर मीटिंग हो रही थी, है ना। तो अमृतसर पंजाब में हुआ था। लीडर्स हूँ लेड दी खिलाफत मूवमेंट वर, खिलाफत मूवमेंट को लीड करने वाले दो भाई थे जिसका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली, है ना। और इसी मूवमेंट को सपोर्ट किया था गांधी जी ने। ब्लैक बिल के नाम से किसको जाना जाता है, तो रोलेट एक्ट को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है, काला कानून के नाम से जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर्स द टोटल स्ट्राइक्स इन 1920 वर, 1921 में कितनी स्ट्राइक्स हड़तालें हुई थी, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 396। गांधी जी डिड सॉल्ट मार्च इन, गांधी जी ने सॉल्ट मार्च कब स्टार्ट किया था, 1930 में, ठीक, अप्रैल मार्च 1930 में, ना। जलियावाला बाग मसाकर टुक प्लेस इन अमृतसर इन 13 अप्रैल 1919 को जलियावाला हत्याकांड हुआ था, कहां पर, अमृतसर पंजाब में। किसको फादर ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है, महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनलिस्ट लीडर कॉल्ड कंट्री वाइड कैंपेन अगेंस्ट रोलेट सत्याग्रह, किस लीडर ने पूरे देश में या देशव्यापी अभियान चलाया था किसके खिलाफ, रोलेट एक्ट के खिलाफ, तो वो थे महात्मा गांधी। द चरखा विद डैश बिकेम द मोस्ट अवॉइडिंग इमेज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, किस के साथ चरखा को एसोसिएट किया जाता है यहाँ पे, तो महात्मा गांधी के साथ चरखा को एसोसिएट किया जाता है। और ये उस समय भारतीय राष्ट्रीयता का ही सिंबल बन गया था, है ना। इन विच ईयर डिड साइमन कमीशन विद ब्रिटिश मेंबर्स कम टू इंडिया, कौन सी साल में साइमन कमीशन भारत में आया था, 1928 में भारत में आया था। इन विच सेशन डिड कांग्रेस मेक प्रोक्लेमेशन ऑफ कमिटमेंट ऑफ टू पूर्ण स्वराज, कौन से सेशन में कांग्रेस ने ये कमिटमेंट किया था कि हम पूर्ण स्वराज लेके ही रहेंगे, वो था लाहौर सेशन ऑफ 1929, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि अब तो हम पूर्ण स्वराज लेकर ही रहेंगे। और इसके नेक्स्ट ईयर ही 26 जनवरी 1930 को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई थी, आपको पता राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, 1930 में 1931 में और 1932 में। तो गांधी जी इस वाली सेकंड वाली में गए थे, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी कहाँ पे, लंदन में, लंदन कहाँ, इंग्लैंड में उस समय, राइट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास, तो देखो यहाँ पर तो इस चैप्टर में जो बात की जा रही है वो 1935 एक्ट की बात की जा रही है, क्योंकि इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया था, फिर 1935 में। और 1857 की रिवोल्ट देखें तो वहाँ पर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और आया था 1858 में, तो यहाँ पर पॉसिबली 1935 की बात की जा रही है, और बाकी ईयर दे भी नहीं रखी है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डेड महात्मा गांधी अपोज द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द लोअर कास्ट, कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी ने बोला कि भाई ये तो होना ही नहीं चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट तो मिलना ही नहीं चाहिए लोअर कास्ट के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इससे सोसाइटी डिवाइड हो जाएगी। तो इस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, और यहीं पर इन्होंने मना कर दिया। एक स्टेटमेंट दे रखा है, तो कौन से ब्रिटिश PM ने ये स्टेटमेंट दिया था कि आई हैव नॉट बीन अपॉइंटेड एज द किंग्स फर्स्ट मिनिस्टर इन ऑर्डर टू प्रिसाइड ओवर द लिक्विडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर,
तो ये दिया था विंस्टन चर्चिल ने। क्विट इंडिया कैंपेन कब स्टार्ट हुआ था? अगस्त 1942 में क्विट इंडिया कैंपेन स्टार्ट हुआ था। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स कंपाइल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिशियन, ये बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स इसको किसने कंपाइल किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं। गांधी लेफ्ट इंडिया इन द ईयर, गांधी जी ने इंडिया को कब छोड़ा भाई? गांधी जी ने इंडिया को 1893 में छोड़ा था, वापस 1915 में आए थे। इन द एंड ऑफ दिसंबर 1929 कांग्रेस हेल्ड इट्स एनुअल सेशन इन द सिटी ऑफ लाहौर, लाहौर में इन्होंने सेशन किया था, जहां पे पूर्ण स्वराज इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि पूर्ण स्वराज लेकर रहेंगे। गांधी जी हिमसेल्फ वॉज अरेस्टेड इन मार्च 1922 एंड चार्ज विद, गांधी जी को ही खुद अरेस्ट कर लिया गया था मार्च 1922 में, जब वो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ था, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, और चोरा चोरी की घटना हो गई थी। और इन पर कौन सा चार्ज लगाया गया था? सेडिशन का, देशद्रोह का चार्ज लगाया गया था ना। इन फरवरी 1922 ए ग्रुप ऑफ पीजेंट्स अटैक्ड एंड टॉर्चर्ड ए पुलिस स्टेशन इन द हैमलेट ऑफ डेस इन द यूनाइटेड प्रोविंस, तो किस जगह पर यह चोरा चोरी घटना हुई थी, किस जगह पर घटना हुई थी जहाँ पे पुलिस स्टेशन को कुछ ग्रुप ऑफ किसानों ने इसको जला दिया था, तो वो चोरा चोरी था गोरखपुर में ना, और गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, पहले उत्तर प्रदेश को हम बोलते थे यूनाइटेड प्रोविंस। महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब रिटर्न हुए? 1915 में। ब्लैक एक्ट किसको बोला जाता है? रोलेट एक्ट को बोला जाता है। When and where second round table conference was held? Second round table conference 1931 में लंदन में हुई थी, गांधी जी ने इसको अटेंड किया था एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था? 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ था, जहां पे जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया था। नाइट एंगल ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? सरोजनी नायडू को नाइट एंगल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्रिप्स मिशन के हेड कौन थे? सर स्टीफर्ड क्रिप्स थे। फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की जो पार्टी थी इसको किसने मतलब बनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। फादर ऑफ नेशन किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, जब देश हमारा आज़ाद हो गया था तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, तो इंडियन कौन थे पहले? सी राजगोपालाचारी। हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? मोहम्मद अली जिन्ना। सर्वेंट्स ऑफ द सोसाइटी के फाउंडर कौन थे? सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाई थी 1905 में। पॉलिटिकल मेंटर कौन थे गांधी जी के? गोपाल कृष्ण गोखले। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? मार्च 1946 में। गांधी जी का असैसिनेशन कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को हुआ था। इंटरिम गवर्नमेंट कब बनी थी? 1946 में बनी थी, जो टेम्परेरी सरकार बनी थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर कब से कब के बीच में हुआ? 1939 से 1945 के बीच में। सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 में। गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था? 1931 में। वैन जलियावाला बाग मसाकर टू प्लेस, जलियावाला बाग की घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1939 अमृतसर में। पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में साइन हुआ था कब? 1932 में। इंडिविजुअल सत्याग्रह कब लॉन्च किया था गांधी जी ने? 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह है ना, गांधी जी ने सत्याग्रह चंपारण में कब किया था? 1917 में। क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1942 में। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह को कहां पर प्रयोग किया? साउथ अफ्रीका में। लाल बाल पाल के नाम से कौन फेमस है? लाल मतलब लाला लाजपत राय जो पंजाब से थे, और बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र, और पाल है बिपिन चंद्र पाल जो बंगाल से थे। तो ये तीनों ही एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के नेता थे, गरम दल के नेता थे, और इनको जाना जाता है लाल बाल पाल के नाम से। गांधी जी का पहला पब्लिक अपीयरेंस कब हुआ इंडिया में आने के बाद? तो गांधी जी पहली बार पब्लिक के सामने आए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग में फरवरी 1916 में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? जनवरी 1921 में। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्यों विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया था? क्योंकि चोरा चोरी में घटना हो गई थी, और चोरा चोरी गोरखपुर में एक जगह है यूनाइटेड प्रोविंस में उस समय, और यहाँ पे पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी जिसमें 20-22 पुलिस वाले मर गए थे, जल गए थे। विच सिंबल्स महात्मा गांधी जी यूज ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, कौन से सिंबल्स को गांधी जी ने स्टार्ट किया था? धोती कुर्ता को इस्तेमाल किया था। और पूर्ण स्वराज कब अडॉप्ट किया? लाहौर सेशन 1929 में। डांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। ऑन व्हाट टू थिंग्स डिड सत्याग्रह एम्फेसाइज, सत्याग्रह में किन किन चीज़ों पर फोकस किया गया था? एक तो सत्य की, जो सत्य पर भरोसा रखो है ना, सत्य की पावर पर भरोसा रखो, और सर्च और मतलब सत्य की कोशिश करो, नॉन वायलेंट रहना चाहिए, जो भी आप प्रोटेस्ट कर रहे हो उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। एंड व्हेन एंड वेयर डिड पॉलिसी ऑफ एनसीएम अप्रूव्ड, 1920 में पॉलिसी ऑफ एनसीएम अप्रूव कर दी थी नॉन कोऑपरेशन की, और ये नागपुर सेशन जो हुआ था यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया, हाँ भाई ठीक है एनसीएम कर सकते हैं। साइमन कमीशन भारत में 1928 में आता है। यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, एक चैप्टर और बचा, इसके बाद तुम्हारी पूरी की पूरी बुक हमारी कंप्लीट हो जाएगी, और तीनों बुक कंप्लीट हो जाएंगी है ना, और एक वीडियो में तीनों बुकों का मिलाकर भी कंबाइंड करके आपको अपलोड कर दूंगा, सो दैट यू कैन वॉच कंप्लीट हिस्ट्री एट वंस। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।